हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वेब ऑफ सोशियोलॉजी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू अपडेट्स। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाऊंगा सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2020 के लिए आप कैसे घर बैठे अपने ही मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आप सभी को फुल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा हिंदी में, यानी कि आप बिल्कुल सही तरीके से सब चीज जान सके और अप्लाई कर सके। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, आप अपने मोबाइल से गूगल क्रोम वेब ब्राउजर ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको सर्च बार पे टाइप करना है ssc.nic.in। उसके बाद में सर्च आइकन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके मोबाइल में कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड का ऑप्शन है, यानी कि अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो सिंपली आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डाल के लॉग इन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप फ्रेश कैंडिडेट है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है न्यू यूजर रजिस्टर नाउ, इसमें आपको क्लिक करना है। तो ओके गाइस, तो चलिए हम यहाँ पे रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक कर लेते हैं। रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको बेसिक डिटेल्स फिलअप करना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। नंबर 1 पे बेसिक डिटेल्स, नंबर 2 पे एडिशनल एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड नंबर 3 पे है फोटो एंड सिग्नेचर डिटेल्स। ओके गाइस, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, यहाँ पे नंबर 1 पे जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, डू यू हैव आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस कर दीजिए एंड आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो सिंपली यहाँ पर नो पे क्लिक कर दीजिए। देन यहाँ पे आपको टाइप ऑफ आईडी, यहाँ पे आपको अपना कोई भी एक आईडी देना है, यानी कि जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयर आईडी, पैन कार्ड, पासवर्ड, स्कूल कॉलेज आईडी कार्ड और वोटर कार्ड, इनमें से कोई भी आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में उस आईडी का नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। देन सिंपली आपको यहाँ पे अपना नेम टाइप करना है। उसके बाद आपको अपना नाम वेरीफाई करना है, वेरीफाई योर नेम। देन उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं, हैव यू एवर चेंज नेम, यानी कि अगर आपने अपना नाम कभी चेंज किया है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो पे ही रहने दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे फादर्स नेम भरना है, देन वेरीफाई योर फादर्स नेम, देन मदर्स नेम, माँ का नाम भरना है, देन वेरीफाई योर मदर्स नेम, माँ का नाम वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देना है, देन यहाँ पे वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ करना है। उसके बाद में आपको मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास का एग्जामिनेशन डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना है, यानी कि एडुकेशन बोर्ड, आप कौन से बोर्ड से क्लास 10 एग्ज़ाम पास की है वो बोर्ड को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ओके गाइस, उसके बाद में यहाँ पे वेरीफाई बोर्ड करना है, देन यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर टाइप कर देना है, यानी कि क्लास 10th क्लास में आपका रोल नंबर क्या है वो यहाँ पे सिंपली आपको टाइप कर देना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि आप कौन से ईयर में क्लास 10 पास किए थे वो ईयर यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद में वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग वो सेलेक्ट कर लीजिए। देन जेंडर मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर जो भी है यहाँ पे आप टिक मार्क कर दीजिए। ओके गाइस, देन वेरीफाई कर दीजिए। उसके बाद में लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि यहाँ से आप अपना हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन
सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर दीजिए, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर दीजिए, अगर आप पीएचडी किया है तो पीएचडी सेलेक्ट कर दीजिए। ओके गाइज, उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है, देन वेरीफाई मोबाइल नंबर करना है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे वैलिड एक ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, उसके बाद वेरीफाई ईमेल आईडी कर दीजिए। उसके बाद स्टेट यानी कि आपके स्टेट क्या है वो इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर लीजिए। ओके गाइस, सेलेक्ट करने के बाद में सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। करने के बाद में नेक्स्ट पेज खुलेगा, उसके बाद में आपको सिंपली एडिशनल एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स यानी कॉन्टेक्ट डिटेल्स एड्रेस वगैरह यहाँ पे डाल देना है, उसके अंदर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर देना है, उसके अंदर सिंपली सबमिट कर दीजिए, देन आपको अपना ईमेल एंड मोबाइल नंबर पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा एंड एक पासवर्ड जो आप खुद सेलेक्ट कर लीजिएगा, वो पासवर्ड ही आपका पासवर्ड हो जाएगा। जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं, एससीसी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराती है, तो आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट डाउन करके रख लीजिए एंड पासवर्ड को भी नोट डाउन करके रख लीजिए, फ्यूचर में उसी रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड से आप लॉगिन कर पाएंगे। ओके गाइज, चलिए देखते हैं नेक्स्ट अप्लाई कैसे करना है। सिंपली आपको होम पेज पे चले आना है, देन आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ, सिंपली आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया है उसको आपको फिलअप करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल में कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर वन पे ही है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2020। ओके गाइस, तो सिंपली आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद में जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो बेसिक डिटेल्स फिलअप किया है वो ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। तो जैसे कि मैं आप सभी को यहाँ पे दिखा दूँ आपको करना क्या है, नंबर 15 पे आप देख सकते हैं वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, तो सिंपली आपको ये नो कर देना है। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो येस कर दीजिए, अदरवाइज नो नो पे क्लिक कर दीजिए। देन आर यू ए नेशनल कैडेट कॉप्स एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर कैंडिडेट है तो येस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। देन टाइप ऑफ सर्टिफिकेट इसको फिलअप करने का दरकार नहीं है। देन प्रिफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, तो आपको यहाँ पे अपना प्रिफरेंस देना है एग्जामिनेशन सेंटर का। तो आप यहाँ से अपना रीजन सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं अपना रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ ईस्टर्न रीजन। मैं ईस्टर्न रीजन सेलेक्ट करने के बाद में ऑटोमेटिकली सेंटर टू एंड सेंटर थ्री में ईस्टर्न रीजन से ही मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, अदर रीजन में चूज नहीं कर सकता। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में वेदर एक सर्विसमैन, अगर आप एक सर्विसमैन हो तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दीजिए। जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, जो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो लिस्ट पे से सेलेक्ट कर लीजिए।
अगर आप ऑलरेडी पास कर चुके हैं तो यस कर दीजिए, अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट है तो नो पे क्लिक कर दीजिए। देन सिंपली आपके यहाँ पे यूनिवर्सिटी और बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको रोल नंबर डाल देना है, सिंपली आपको यहाँ पे सब्जेक्ट डाल देना है, देन आपको यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर लेना है, आप कौन से ईयर में पास आउट किए हैं ग्रेजुएशन, उसका ईयर सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे सिंपली आप अपना परसेंटेज डाल दीजिए, देन यहाँ पे आपको डू यू वॉन्ट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ DOP एंड TS, अगर आप यहाँ पे येस करना चाहते हैं तो येस कर दीजिए, अदरवाइज नो पे सेलेक्ट कर दीजिए। अगर आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं येस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। देन सिंपली आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है, उसके बाद में आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाल देना है। देन आप प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद पूरा डिटेल्स एक बार चेक कर लीजिए, सब कुछ ठीक है या नहीं, कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये बात याद रखिएगा, एक बार सबमिट करने के बाद में आप फिर से एडिट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए एक बार ध्यान से चेकआउट कर लीजिएगा, उसके बाद ही फाइनल सबमिशन करके ओके कर दीजिएगा। तो चलिए मैं ओके कर देता हूँ। तो जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड, यानी कि मेरा एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्टेड हो गया है। तो जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से है तो आपको कोई भी फी पे करना नहीं पड़ेगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आप ऑनलाइन के थ्रू से पेमेंट कर सकते हैं या फिर चालान से भी पेमेंट कर सकते हैं। देन सिंपली आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाल सकते हैं या फिर ओके कर दीजिए। चलिए मैं ओके कर देता हूँ। तो जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, देन यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके मैं आप सभी को दिखा दूँ। जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फॉर एग्जामिनेशन 2020, रजिस्ट्रेशन स्टेटस प्रोविजनली एक्सेप्टेड, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड प्रोविजनली एक्सेप्टेड, अप्लाई फॉर्म प्रोविजनली एक्सेप्टेड, पेमेंट स्टेटस फी एग्जेम्प्टेड, एप्लीकेशन स्टेटस प्रोविजनली एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे मेरा फॉर्म सबमिट हो गया है एंड एक्सेप्टेड हो गया है। तो सिंपली आपको क्लोज कर देना है, देन लॉग आउट कर दीजिए। इस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस और CAPF एग्जामिनेशन 2020 के लिए अप्लाई कर सकते हैं गाइस। अगर कोई भी क्वेरी है तो फिर कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, मैं जरूर आंसर करूंगा। तो फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।